नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेवलपमेंट ऑफ द इम्ब्रियो। अब आप हमने एक जो प्रोडक्ट बना ट्रिपल फ्यूजन के द्वारा उसका डेवलपमेंट बता चुके हैं, अब बताते हैं डेवलपमेंट ऑफ द जो सिनगैमी से बना, दैट इज द बाय द फ्यूजन ऑफ द मेल गैमेट एंड द एग, जो जाइगोट बना, वो जाइगोट कैसे इम्ब्रियो फॉर्म करेगा, कैसे वो डिवाइड करके इम्ब्रियो डेवलप करेगा, दैट इज कॉल्ड एज द इम्ब्रियोजेनेसिस। इसी को क्या कहते हैं, इम्ब्रियोजेनेसिस। द डेवलपमेंट ऑफ द इम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट इज कॉल्ड एज द इम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, तो कैसे डिवाइड करता है, तो डिवाइड करने के आधार पे देखो इसको, जो पहला जाइगोट सेल में होता है दैट कई तरह से वो डिवाइड करता है, किसी में पहला डिवीजन ट्रांसवर्स होता है, किसी में लॉन्गिट्यूडनल होता है। ठीक है, तो दो तरह से होते हैं, एक वे जिनमें फर्स्ट डिवीजन जो होता है दैट इज द लॉन्गिट्यूडनल, दैट इज द लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, तो फर्स्ट डिवीजन ऑफ द जाइगोट इज द एपिकल सेल, किसी में लॉन्गिट्यूडनल होता है, किसी में ट्रांसवर्स होता है। फर्स्ट इज द एपिकल सेल विच डिवाइड लॉन्गिट्यूडनली, तो उसमें क्या होगा, पहला जो डिवीजन होगा लॉन्गिट्यूडनल होगा, सब में तो ट्रांसवर्स होगा, एक एपिकल सेल बनेगा, बेसल सेल बना। अब एपिकल सेल क्या किया, इसमें लॉन्गिट्यूडनल डिवाइड किया। अब जो बेसल सेल है, ठीक है, एक एपिकल सेल एक बेसल सेल, उसमें बेसल सेल का रोल क्या होता है, बहुत माइनर होता है, कोई विशेष रोल काम उसका नहीं रहता है फर्दर इम्ब्रियो डेवलपमेंट में। दिस टाइप इम्ब्रियो डेवलपमेंट इज कॉल्ड एज द क्रूसिफर टाइप आर द ओनाग्रेट टाइप, क्रूसिफर टाइप आर द ओनाग्रेट टाइप, बिकॉज इट इज फाउंड इन द क्रूसिफेरेसी फैमिली या ब्रेसिकेसी फैमिली, एनोनेसी फैमिली, ओरागनेसी फैमिली, रेनन्कुलेसी फैमिली, स्क्रोफुलेरियेसी फैमिली में इस तरह का डेवलपमेंट होता है, जहां पे जो बेसल सेल होता है इट प्ले माइनर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द इम्ब्रियो। दूसरा होता है जो लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन है उसकी बात कर रहा हूं, बेसल सेल एंड एपिकल सेल बोथ कंट्रीब्यूट मेजर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द इम्ब्रियो, दोनों का क्या रोल होता है, प्रॉपर होता है, तो दैट टाइप इम्ब्रियो डेवलपमेंट इज कॉल्ड एज द एस्ट्रेट टाइप, बिकॉज इट इज फाउंड इन द एस्ट्रेसी फैमिली, किसमें होता है, एस्ट्रेसी फैमिली में, देयर फॉर इट कॉल्ड एज द एस्ट्रेट टाइप। सेकेंड टाइप जिसमें एपिकल सेल जो बनता है आफ्टर द ट्रांसवर्स डिवीजन ऑफ द जाइगोट, इट अंडरगो द फर्दर डिवीजन इज द ट्रांसवर्स डिवीजन, लॉन्गिट्यूडनल नहीं, ट्रांसवर्स डिवीजन। अब इसमें भी दो आ जाते हैं, एक में बेसल सेल का कोई रोल नहीं होता, माइनर रोल होता है, तो जो माइनर रोल होते हैं उनमें भी फर्दर दो टाइप के हो जाते हैं। ठीक है, तो जिसमें बेसल सेल क्या करते हैं, डिवाइड एंड रीडिवाइड करके सस्पेंसर बना लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द सोलेनेट टाइप, सोलेनेसी फैमिली में पाया जाता है। बेसल सेल अंडरगो द नो फर्दर डिवीजन, तीसरे में क्या होंगे, एक में तो बेसल सेल क्या किया, डिवाइड एंड रीडिवाइड करके सस्पेंसर बना लिए, तीसरे वाले में बेसल सेल अंडरगो द नो फर्दर डिवीजन, फर्दर डिवीजन नहीं करते हैं और इनलार्ज कर जाते हैं साइज में एंड एक्ट एज द सस्पेंसर, एक्ट एज द सस्पेंसर। जनरली द सस्पेंसर इज द अब्सेंट, बट इफ सस्पेंसर इज प्रेजेंट इट डिराइव फ्रॉम द एपिकल सेल, दैट इज दैट टाइप डेवलपमेंट इज कॉल्ड एज द कैरियोफिलेट टाइप, कैरियोफिलेट बिकॉज इट इज फाउंड इन द कैरियोफिलेसी फैमिली, इसमें पाया जाता है कैरियोफिलेसी फैमिली। दूसरा इसी का टाइप है जिसमें एपिकल सेल और बेसल सेल दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं डेवलपमेंट ऑफ इम्ब्रियो में, दिस टाइप डेवलपमेंट इज कॉल्ड एज द चीनोपोडियल टाइप, दिस इज कॉल्ड एज द चीनोपोडियल टाइप बिकॉज इट इज फाउंड इन द चीनोपोडियेसी फैमिली। अभी देखिए डिटेल में आपको हम दिखा दे रहे हैं, देखिए तब में ट्रांसफर डिवीजन हुआ, फर्स्ट डिवीजन क्या हुआ, ट्रांसफर, एक बेसल सेल बना, एक एपिकल सेल, बेसल सेल, एपिकल सेल, बेसल सेल, एपिकल सेल। ठीक है, ये ओनाग्रेट में क्या हुआ,
फर्स्ट डिवीजन इज द ट्रांसवर्स डिवीजन। एपिकल सेल क्या हुआ, देखिए यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन किया ना, ये नीचे वाला एपिकल सेल है, क्योंकि किस तरह का है ये, उल्टा। उल्टा क्यों है, क्योंकि आप किस पढ़ रहे हैं, जो इम्ब्रियो सॉरी जो ओव्यूल्स है एनाट्रापस है, तो कहाँ रहेगा, सेंटर की तरफ ओरिएंटेड होगा, तो एपिकल सेल जो माइक्रोपाइल की तरफ है इट अंडरगो द लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। देखिए पहला डिवीजन क्या हुआ इसका, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन, ठीक है। अब देखिए डिवाइड एंड रीडिवाइड करके क्या बनाया, फर्दर रोल हुआ ये चला गया। स्ट्रेट टाइप में भी लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हुआ, ठीक है, लेकिन ये क्या करता है, प्ले मेजर रोल, ये भी डेवलपमेंट में भाग लेता है। सोलेनोइड टाइप में क्या हुआ, देखिए यहाँ पे फर्दर डिवीजन इज द ट्रांसवर्स डिवीजन, यहाँ भी फर्दर डिवीजन इज द ट्रांसवर्स डिवीजन। कैरियोफिलेट में भी ट्रांसवर्स डिवीजन कर रहा है, बट एक में प्ले कर रहा है मेजर रोल, एक में प्ले मेजर रोल नहीं कर रहा है। कैसे डेवलपमेंट होता है, एक एक सेल्स का पूरा दिखाया हुआ है इसमें, अभी आप हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इसको। देखिए जाइगोट अंडरगो द ट्रांसवर्स डिवीजन, इट फॉर्म द एपिकल सेल एंड द बेसल सेल, ठीक है। पूंछ में एक क्रूसीफर टाइप की बात कर रहे हैं केवल, इसको पढ़ेंगे, अब सारे तो पढ़ेंगे नहीं, ओनली द क्रूसीफर टाइप का। इसमें टर्मिनल सेल जो एपिकल सेल अंडरगो द वर्टिकल डिवीजन और ट्रांसबेसल सेल अंडरगो द ट्रांसवर्स डिवीजन, दिस इज कॉल्ड एज द फोर सेल प्रोइम्ब्रियो। दो बना, दो से चार बना, क्लियर। अब फिर चार से अब ये जो टर्मिनल सेल बना, जो टर्मिनल सेल है इट अंडरगो द फर्दर वर्टिकल डिवीजन, एक प्लेन पे किया और फिर एक प्लेन पे, तो चार बन गए, दिस इज कॉल्ड एज द क्वाड्रेट स्टेज। इसको क्या कहेंगे, क्वाड्रेट स्टेज। जब चार बन गए तो फिर उनमें कौन सा डिवीजन हुआ, ट्रांसवर्स डिवीजन, तो कितने सेल बने, एट स्टेज सेल, दैट इज कॉल्ड एज द ऑक्टेंट स्टेज, एट सेल इम्ब्रियो। अब एट सेल इम्ब्रियो में फर्दर क्या होता है, पेरिक्लाइनल डिवीजन। अब पेरिक्लाइनल डिवीजन करके क्या बनाएगा, एक आउटर आठ सेल बना लेगा बाहर की तरफ और सेंटर में आठ सेल, और आउटर का सेल क्या होता है, अगेन डिवाइड बाय द एंटीक्लाइनल डिवीजन टू फॉर्म द एपिडर्मिस। क्या करा, बाहर की तरफ बना लिया डर्मेटोजन, इट डेवलप द फ्यूचर एपिडर्मिस। जो अंदर के आठ सेल बचे जो सेंटर साइड के, बोथ अंडरगो द वर्टिकल एंड ट्रांसवर्स डिवीजन टू फॉर्म द, बीच में बना लेगा कार्टेक्स, दैट इज कॉल्ड एज द पेरिब्लेम, और एकदम सेंटर की तरफ जो होगा दैट इज कॉल्ड एज द प्लूरोम, वो क्या बनाएगा, फ्यूचर का स्टील बनाएगा, इट मेक द स्टील स्टील। बेसल सेल की बात करेंगे, इट अंडरगो द ट्रांसवर्स डिवीजन, चार से आठ सेल कई डिवीजन बनाया और क्या बना लिया, अपर के मोस्ट सेल क्या बनाया, दैट मेक द सस्पेंसर, क्या बना लिया, सस्पेंसर, और जो सबसे नीचे वाला सेल होगा दैट मेक द हस्टोरियम, क्या बनाया, हस्टोरियम। जो सबसे नीचे का जो सेल होगा उसमें दैट इज कॉल्ड एज द हाइपोफाइसिस, उसको क्या कहते हैं, इट कॉल्ड हाइपोफाइसिस, और हाइपोफाइसिस अंडरगो द वर्टिकल डिवीजन टू फॉर्म द अपर टायर, रूट कलेक्ट्रा, रूट एपिडर्मिस, और ये फर्दर जो रूट का पार्ट बनाएगा जो यहाँ पे काम कर रहा था एक सेल, उसी तरह से हाइपोफाइसिस भी डेवलप करता है। चलिए इसको देखते हैं, इसमें पता नहीं आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं, देखो ये ट्रांसवर्स डिवीजन किया, फिर क्या किया, वर्टिकल डिवीजन किया, फिर एक प्लेन पे वर्टिकल डिवीजन किया, तो दो इधर दिख रहे हैं, दो पीछे साइड में, ठीक है, तो एक क्वाड्रेट हो गया। इसमें फिर कौन सा डिवीजन हुआ, ये देखिए चार बन गए, चार के बाद एक पेरिक्लाइनल डिवीजन हुआ, आठ बन गए, ठीक है, ऑक्टेंट इम्ब्रियो हो गया। तो अब बाहर की तरफ आउटर, अंदर की तरफ, अंदर वाला फिर अंडरगो द पेरिक्लाइनल डिवीजन, इट मेक द थ्री लेयर, डर्मेटोजन, पेरिब्लेम एंड प्लूरोम, डर्मेटोजन बाहर वाला, पेरिब्लेम एंड प्लूरोम, ठीक है। और ये देखिए पूरा का पूरा क्या कर लिया, ये बना लिया हस्टोरिया, ये बना लिया सस्पेंसर, और जो लास्ट सेल है दैट इज कॉल्ड एज, जो सबसे नीचे वाला है दैट इज कॉल्ड एज द हाइपोफाइसिस,
और यही डिवाइड एंड रीडिवाइड करके क्या बना लिया, अल्टीमेटली इम्ब्रियो में डेवलप हो गया, दो कार्टिलेजन्स बन गए आपके, जहाँ पे जंक्शन प्लेस है वहाँ पे फ्लिम्यूल बन गया, इसके बीच में जो पोर्शन है दैट इज कॉल्ड द हाइपोकोटाइल, और हाइपोफाइसिस इज कन्वर्टेड इनटू द रेडिक्यूल, कन्वर्टेड इनटू द रेडिक्यूल। ये देखिए डाइकार्ट सीड में कैसे होता है, दिस इज द कार्टिलेजन, दिस इज द फ्लिम्यूल, दिस इज द एपिकोटाइल कार्टिलेजनरी नोड्यूल्स, और दिस इज द हाइपोकोटाइल, और दिस इज द रेडिक्यूल। ये भी देखिए इसमें पूरा आपको कलर दिखाया है कैसे बनता है, ये देखिए फर्टिलाइज्ड है यानी जाइगोट है, एपिकल सेल है, बेसल सेल है। अब देखिए कलर से ध्यान दीजिएगा क्या क्या कौन पोर्शन बना रहा है, बेसल सेल ग्रीन कलर का है, बेसल सेल का कोई रोल है इम्ब्रियो डेवलपमेंट में, देखिए कोई माइनर रोल है, कुछ नहीं बनाया सस्पेंसर के सिवा, सस्पेंसर और हस्टोरिया के अलावा कोई काम नहीं किया बेसल सेल ने। जो चीजें हो रही है वो किसके द्वारा हो रही है, एपिकल सेल के द्वारा। अब ये देखिए इट अंडरगो द क्वाड्रेट एम्ब्रियो, ऑक्टेंट एम्ब्रियो, फिर ऊपर के जो ये लेयर बना रहे हैं, ये बना दिए क्या दो लेयर कार्टिलेडन बना लेंगे, इट इज द कार्टिलेडन, यहाँ एपिकल मेरिस्टेम हो गया, और ये पूरा का पूरा किसमें हो गया हाइपोकोटाइल में कन्वर्ट हो गया, और दिस इज कन्वर्टेड इन टू द रूट। और कहां से दिखाया जा सकता है इसको, तो डेवलपमेंट ऑफ इम्ब्रियो इज कॉल्ड द इम्ब्रियो जेनेसिस, इम्ब्रियोनिक सूट एपेक्स, फ्लिम्यूल, रेडिक्यूल, हाइपोकोटाइल। ये देखिए क्रूसिफर टाइप में फोर सेल इम्ब्रियो, जाइगोट, एपिकल सेल, बेसल सेल, एपिकल सेल अंडरगो द लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन, इट अगेन डिवाइड टू फॉर्म द ग्लोबुलर प्रो इम्ब्रियो, जिसमें तीन लेयर आपको साफ साफ दिख रहे हैं, डर्मेटोजन, प्लूरोम, पेरी ब्लेम, ठीक है, हॉर्ड से पंटमेटली क्या हो गया है, दे आर कन्वर्टेड इनटू द इम्ब्रियो। सब जगह वही बातें कर रहे हैं कैसे डेवलपमेंट होगा, यहां भी देखिए वही चीजें कई बार देखने से आपको क्लियर हो गया, यहाँ देखिए एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है आपको, देख रहे हैं, देखिए एक साइड में है ये देखिए एपिकल सेल, पहला लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन, देन ट्रांसवर्स डिवीजन, फिर जो है पेरिक्लाइनल डिवीजन किया, ये आठ सेल है, एट सेल, एक सेल से सीधे एट सेल पहुंचा दिया, इसमें आपको एक से दो बनेंगे, यहाँ पे एक सेल है एपिकल सेल, फिर क्या होगा दो बनेंगे बाय द लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन, फिर एक लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होगा, दो से चार बनेंगे, तब डिवीजन होगा, तो एट सेल होगा, ठीक है। अब एट सेल में क्या होगा, दो टायर बनेंगे, एक अपर टायर एक लोअर टायर, ठीक है, और जो बेसल सेल का जो अपर मोस्ट सेल है दैट इज कॉल्ड द एच वाई हाइपोफाइसिस, जो आप ब्लू कलर से देख रहे हैं, ब्लू कलर जो है एपिकल सेल का पार्ट नहीं है, ये बेसल सेल का है, सस्पेंसर का सबसे ऊपर वाला सेल। अब देखिए ग्रीन वाला ये अलग डिवाइड करेगा और ये क्या बना लेगा, दे आर कन्वर्टेड इनटू द कार्टिलेजन, क्या बना रहा है कार्टिलेजन, कार्टिलेजन, और ये वाला जो जोन है ये फर्दर डिवाइड करके क्या दो जोन में बट गया, और एक पोर्शन इसका क्या बना लेगा, दैट मेक द फ्लिम्यूल्स, और दैट मेक द हाइपोकोटाइल, और हाइपोफाइसिस इज चेंज इनटू द रेडिक्यूल, हाइपोफाइसिस जो ब्लू वाला है दे आर कन्वर्टेड इनटू द रेडिकल, रेडिकल, ठीक है, यहाँ आपको क्लियर हो गया कौन कौन सा पोर्शन क्या बनाता है। यहाँ भी वही बातें कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ भी वही बातें हो रही हैं कैसे डेवलपमेंट होता है, इतनी बार बता दिए कि आप लोगों को याद हो जाना चाहिए डाइकार्ट में क्रूसिफर में कैसे बनते। जनरली क्रूसिफर टाइप ऑफ द इम्ब्रियो डेवलपमेंट आपको पूछा जाता है, और दैट इज द हाउ इट टेक प्लेस। अब चलिए थोड़ा सा मोनोकॉट के बारे में भी देख लें, hmm.
देखो मोनोकार्ट एम्ब्रियो में की खासियत होते हैं, इट हैव द ओनली सिंगल लार्ज कार्टिलेज, इट इज द डाई कार्टिलेज नहीं, केवल एक कार्टिलेज बनता है, दैट इज कॉल्ड एज द स्कूटुलम। इसके कार्टिलेज को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड स्क्यूटुलम। ठीक है, प्लोम्यूल एंड रेडिकल आर द लेटरल इन पोजिशन। वहां पे प्लोम्यूल और रेडिकल कहां थे, एक्सिस पे थे, यहाँ पे क्या है कार्टिलेज के साइड में है, दैट इज द लेटरल इन पोजिशन। इस प्लोम्यूल इज द प्रोटेक्टेड बाय द लीफ लाइक स्ट्रक्चर। जो मोनोकार्ड के प्लोम्यूल्स होते हैं दे आर द कवर्ड बाय द ए लीफ लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज द कोलियोप्टाइल। क्या बोलते हैं उसको, दैट इज कॉल्ड एज द कोलियोप्टाइल लीफ लाइक। देखिए ये है प्लोम्यूल, इट इज कवर्ड बाय द लीफ लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज द कोलियोप्टाइल टाइप कोलियोप्टाइल। रेडिकल इज प्रोटेक्टेड बाय द रूट कैप एंड कोलोराइजा। रूट कैप तो होता ही है, रूट कैप के बाद एक और कवरिंग स्ट्रक्चर होती है दैट इज कॉल्ड एज द कोलोराइजा। दिस इज द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द मोनोकार्ट एम्ब्रियो, हाउ इट इज द डेवलपमेंट। तो एक में देखते हैं, यहाँ पे जो डेवलपमेंट होता है दैट इज द एसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल अनइवन। फर्स्ट डिवीजन ऑफ द जाइगोट इज द ऑब्लिक। नाउ ट्रांसवर्स के कंडीशन में होता है ना कुछ इस तरह, तो जो होता है दैट इज द ऑब्लिक डिवीजन। देखिए यहाँ पे ना लॉन्गिट्यूडनल हो रहा है ना ट्रांसवर्स हो रहा है, इट इज द ऑब्लिक डिवीजन, दैट इज द ऑब्लिक डिवीजन। फर्स्ट डिवीजन इज द ऑब्लिक, और इस तरह से करके फर्दर जो डेवलपमेंट होगा दैट इज ऑल्सो ऑब्लिक, और इट मेक द फोर सेल प्रो इम्ब्रियो, मेक द फोर सेल प्रो इम्ब्रियो। दिस फोर सेल अगेन डिवाइड टू फॉर्म द 16 सेल, दिस 16 सेल अगेन डिवाइड एंड रीडिवाइड टू फॉर्म द 32 सेल प्रो इम्ब्रियो, दिस इज द 32 सेल प्रो इम्ब्रियो। द सेल्स ऑफ द लेटरल एपिकल रीजन डेवलप इनटू द सिंगल कार्टिलेडन, दे आर द डेवलप इनटू द सिंगल कार्टिलेडन। एक सेकेंड, हेलो नमस्कार, हाँ बताएं, हाँ बताएं, हम ये आपको किधर से आना है, सिटी से आएंगे तो आप हड़िया जाएंगे, हड़िया मालूम, हड़िया से 6 किलोमीटर है सर जगह, हड़िया से हड़िया जहाँ तिराहा है वहां से बाएं मुड़ेंगे जंघई की तरफ, तो जंघई नहीं जाना है आपको, उसी रोड पे जाएंगे तो धनुपुर चली गई रोड, बस धनुपुर से पहले ही जो है बाएं दाएं साइड में कॉलेज है महामाया राजकीय महाविद्यालय, रोड पे ही है आप देख लेंगे बोर्ड पे, वहां से 6 किलोमीटर जैसे ही इस रोड पे जाएंगे रोड पे ही कॉलेज, ठीक है, हाँ समझिए धनुपुर ब्लॉक के पहले ही है वो कॉलेज रोड। हेलो, हाँ सर, हाँ तो मैं क्या कह रहा था, तो 32 सेल्स इम्ब्रियो के बाद जो है ऑर्गेनोजेनेसिस प्रारंभ हो जाती है, मतलब ये अब डिटरमिन हो जाता है कि कौन सा पार्ट क्या बनाएगा फ्यूचर में, ठीक है। अब जाइगोट में नहीं बता सकते कि सर ऊपर वाला क्या बनाएगा नीचे वाला क्या बनाएगा, टू सेल से कुछ मालूम चलेगा कि हाँ ये माइनर रोल है मेजर रोल है, लेकिन एक सेल के बाद क्या हो गया आपको पता चल जाता है कि नहीं अब ये ऊपर के टू टायर जो है रेडिकल बनाएंगे, कार्टिलेज बनाएंगे, प्लोम्यूल बनाएंगे, उसी तरह से 32 सेल स्टेज पे मोनोकार्ट में भी पता चल जाता है, और इस तरह से रेडिकल और प्लोम्यूल सब बनते हैं, और दैट इज कॉल्ड एज द स्टेज ऑफ द मोनोकार्ट एम्ब्रियो जेनेसिस।